सिमडेगा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रन फॉर सेफ्टी का आयोजन किया गया। रन फॉर सेफ्टी केला घाग मोड़ से शुरू होकर यह दौड़ अल्बर्ट एक्का स्टेडियम तक पहुंचा। उपायुक्त मृत्युंजय बर्णवाल ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उपायुक्त ने कहा कि जनता में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से दौड़ का आयोजन किया गया था। दौड़ में काफी संख्या में स्कूली बच्चे और आम लोग सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए थे। डीसी ने आम लोगों से कहा कि वह हेलमेट पहनकर वाहन चलाएं। इससे न केवल उनकी जिंदगी सुरक्षित रहेगी बल्कि उनके परिवार को भी खुशहाली मिलेगी। अभी है सो सरकार के निर्देश के आधार पर हम लोग एक सप्ताह का सुरक्षा सप्ताह हम लोग मना रहे हैं, जिसके तहत आज देखने की 17 तारीख को हम लोग रन फॉर सेफ्टी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग खासकर वैसे वर्ग के बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, जो है सो जिनको है सो मतलब युवा वर्ग हैं 18 साल के आसपास पहुँचने वाला है, ये जिस पूरा किए हैं क्योंकि युवा वर्ग के स्तर से सबसे ज़्यादा दिक्कतें वगैरह होती है। तो इस जो आज रन फॉर सेफ्टी जो आज जो दौड़ हो रही है, इसके थ्रू हम लोग है सो प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हमें है सो सेफ्टी पर ध्यान देना है समझिए, और है तो जितने भी यातायात के नियम है उसका पालन करके हम गाड़ी चलाएं, जिससे कि अपनों की सुरक्षा और रोड पर चलने वालों की सुरक्षा बनी रहे। सबरंग समाचार के लिए सिमडेगा से रविकांत साहू की रिपोर्ट।